बड़ी खबर, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के किसानों की ओर से खाद के दाम घटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि खाद के दाम में सब्सिडी बढ़ाकर पीएम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। पिछले काफी दिनों से 1200 का कट्टा मिलता था, 500 की सब्सिडी थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1700 रुपए मैन्युफैक्चर को कास्ट पड़ती थी। अब कच्चे माल के भाव बढ़ने की वजह से लागत 2400 रुपए पहुंच गई थी। किसान को समस्या आ गई थी कि कोरोना काल में उत्पादन लागत बढ़ रही थी। 700 रुपए का भार सरकार ने अपने ऊपर लिया है। पहले जो 500 रुपए सब्सिडी थी उसे मिलाकर अब 1200 रुपए सरकार अपने खजाने से देगी। इस फैसले से किसानों को लगभग 15,000 करोड़ का फायदा होगा। हरियाणा में भी 1,20,00,000 कट्टे डीएपी के कंजप्शन है और 850 करोड़ का फायदा हरियाणा के किसानों को होगा। विपक्ष द्वारा सरकार पर दाम बढ़ने के आरोप पर कहा कि दाम बढ़ाना सरकार के हाथ में नहीं, दाम कंपनी और मैन्युफैक्चर ने बढ़ाए, हमने तो सब्सिडी देकर किसानों को राहत पहुंचाई। हरियाणा के कई गांव द्वारा लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं किए जाने पर कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी है, विरोध के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोरोना की लड़ाई में विदेशी आक्रमण होता है, उसी तरह एक होना है। हरियाणा के 6 डीसी के साथ पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कहा कि पीएम ने सब कुछ अपने हाथों में लिया ताकि देश में ऑक्सीजन सभी को मिले और कोरोना पेशेंट को राहत मिले। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और खुद मॉनिटरिंग की। सभी किसानों से अपील की कि हिसार जैसी घटनाओं से बचना चाहिए, बातचीत से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर कोरोना की हुई दस्तक पर कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के इंतजाम किए हैं, आंदोलन को थोड़े दिन स्थगित कर दिया और अगर वहां भी बैठे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कांग्रेस पिछले कई सालों से फ्रस्ट्रेशन में है और सत्ता के लिए तड़प रही है, वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का परिणाम देश में बंगाल की तरह होगा। मंडियों में बची हुई लिफ्टिंग को लेकर कहा कि करीब 2,00,000 मीटरिंग टन की लिफ्टिंग शेष है जो इस हफ्ते में पूरी हो जाएगी। खाद के जो दाम है 1200 रुपए कम कर दी, जो सब्सिडी दी है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं हमारे किसान हितैषी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा के किसानों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने किसान हितैषी फैसला करके और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं, किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। डीएपी के मामले में आपने देखा होगा कि पिछले बहुत दिनों से 1200 रुपए में कट्टा मिलता था, 500 रुपए की सब्सिडी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1700 रुपए में उसको मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ती थी, उसको 1700 रुपए मिलते थे। अब कच्चे माल की भाव बढ़ने की वजह से लागत बढ़ गई 2400 रुपए और कंपनियों ने 1900 रुपए की जो रेट जो है कर दिया था। इसमें बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इफको है, क्रिप्को है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और किसान को समस्या आ रही थी कि इस कोरोना काल में उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही थी, तो सारा भार जो है 700 रुपए का जो बढ़ा हुआ भार था वो भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। सब्सिडी जो 500 रुपए पहले थी उसको 1200 रुपए किया, 2400 रुपए की लागत कट्टे की है उसमें से 1200 रुपए भारत सरकार अपने खजाने से देगी और 1200 रुपए किसान को जो पहले पिछले 5 साल से जो भाव था उसी भाव पे डीएपी मिलेगी। यूरिया का भाव भी पिछले 5 साल से लगभग स्थिर है और किसानों की एमएसपी जो है हर साल बढ़ती रही है। लक्ष्य यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े
और ये जो फैसला किया है, इस फैसले से भारतवर्ष के किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। जो पैसा उनको अतिरिक्त देना पड़ता वो भारत सरकार देगी। और हरियाणा के अंदर भी हमने पता करवाया कि 1,20,00,000 कट्टे DAP के कंजम्पशन है, तो 840 करोड़ रुपए का फायदा एक साल के अंदर हरियाणा के किसानों को होगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि जितना दाम पहले जो उतने ही दाम हुए हैं, पहले दाम बढ़ा दिए फिर घटा दिए, कोई किसानों को तो कोई फायदे नहीं बनते। नहीं, देखिए दाम में अब सभी हमारी सरकार तो के हाथ में नहीं है, सरकार तो सब्सिडी देके दाम को कंट्रोल करती है। दाम कंपनियों ने बढ़ाए थे, दाम मैन्युफैक्चरर ने बढ़ाए थे, उसकी मजबूरी थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गए, कच्चे माल के भाव बढ़ गए, लेकिन दाम को बढ़े हुए दाम को सब्सिडी देकर, सब्सिडी जो 500 रुपये थी उसमें 140% और जोड़ के 1200 रुपये कर दी, 500 प्लस 700 1200 रुपये सब्सिडी देकर दाम को स्थिर रखा है। और ये सारा पैसा 15,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने पे पड़ेगा। सर, एक सवाल हरियाणा का कर लेते हैं। हरियाणा के तकरीबन कई गांवों से ऐसी खबरें आ रही है, वो ग्रामीण, चाहे जीन का धनोटा गांव हो, हिसार के कई गांव हैं, सोहाना में स्मैन गांव है, ये सारे के सारे गांव लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हिसार में आए उन्होंने लॉकडाउन नियम नहीं माने, तो हम भी लॉकडाउन के नियम नहीं मानेंगे, दुकानें खोलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे टाइम, और प्रशासन को भी गाँव में नहीं आने दे रहे, तो ग्रामीणों का ये फैसला आप कैसे देखते हैं? ये मैंने भी ये समाचार सोशल मीडिया पे कुछ समाचार पत्रों से पढ़े हैं, और मैं हाथ जोड़ के अपने ग्रामवासियों से, किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसके आगे किसी भी तरह का विरोध, बल्ब चलाना या अहम रखना ये उचित नहीं है। आप अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखो, बुजुर्गों का ख्याल रखो, और विरोध करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आंदोलन करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में इस तरह एकजुट हो जाओ जैसे कोई विदेशी आक्रमण होता है, सारा देश एक इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ता है, हमें इस तरह से इकट्ठा होकर कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारे आपसी मतभेद हैं, हमारे कोई मुद्दे हैं, उनको हम मिल बैठ के समझा लेंगे, सुलझा लेंगे, हर चीज़ का समाधान हो जाएगा, लेकिन इस तरह के फैसले कोई ना लें जिससे कि हमारे ही परिवार के लोगों की जान आफत में पड़ जाए। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के 6 जिले जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत शामिल है, उनके DC के साथ खुद वन टू वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और कोविड की जो सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। 6 DC के हैं हरियाणा आज, नहीं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी, जब ये दूसरी वेव आई है और एकदम से बड़ी भयंकर रूप से सुनामी बन के आई, इसकी सारी मॉनिटरिंग एकदम से, ऑक्सीजन की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई, वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ गई, रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ गई, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में लिया, ऑक्सीजन को इंपोर्ट भी किया, एयरलिफ्ट भी किया, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में लिया, और धीरे धीरे करके जितनी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी वो सारी देश के अंदर ठीक की। और सौभाग्य से आप देख भी रहे हैं कि 2 हफ्ते हुए अब जो कोरोना के, कोविड के पेशेंट है, घटने शुरू हो गए हैं, और प्रधानमंत्री जी का इतना गंभीरता से इस विषय को लेना, खुद मॉनिटरिंग करना, यही एक कारण है कि सारा प्रशासन जो है एकजुट होकर इसको लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है, और उसका परिणाम जो है अच्छा होगा, कोरोना से हमारा देश जीतेगा और इस महामारी से हम निजात पाएंगे। सर, हिसार में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है प्रदेश, हम सब मिलकर के कोरोना से लड़ना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी मुद्दा हो उसका समाधान बातचीत से हो सकता है, मिल बैठ करके आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, आप जो है कोरोना से लड़ने में हमारा सहयोग दें और इस घातक बीमारी से
देश को छुटकारा दिलवाए। सर, अगर किसान आंदोलन की बात करें और कोविड की भी हम बात कर ही रहे हैं दोनों की मिली जुली, तो कुंडली बॉर्डर पे भी अब कोविड के पेशेंट जो हैं वो सामने आने लगे हैं। किसान, दो किसानों की वहाँ पर मौत भी हो गई है कोरोना से, इसको लेकर आप क्या? और सर 23 मई से फिर शायद पूछ कर रहे हैं दोबारा। देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ भी सुविधाएं देने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सब अपने अधिकारियों को भेजा है, और मेरी भी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप जो है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर आपको उचित तो यही होगा कि इस वक्त थोड़े दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर दें, लेकिन अगर आप वहाँ बैठे भी हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सीएम के वेंटिलेटर कांग्रेस की नीतियां मैं देख रहा हूं पिछले एक दो साल से, फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस, सत्ता के लिए तड़प रही है, कभी किसी आंदोलन की वजह से, कभी किसी वजह से शाहीनबाग के साथ देकर, कभी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग का साथ देकर, कभी किसान आंदोलन शो कॉल्ड को आगे करके कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस का परिणाम देश में वही होगा जो रिजल्ट कांग्रेस ने बंगाल में जो उसको मिले हैं। कांग्रेस का आने वाला भविष्य यही है। सर, काफी सवाल प्रोक्योरमेंट को लेकर है, करीब 2 लाख मीट्रिक टन जो लिस्टिंग अभी मंडियों में रहती है, जैसी जानकारी कल डिप्टी सीएम ने भी दी है, वो लिस्टिंग कब तक हो जाएगी, क्या उसको लेकर अंतिम प्रोसीजर है? देखिए, हमारी प्रोक्योरमेंट आखिरी 3 दिन में, जो 2 दिन 3 दिन के लिए खुली थी, 1 दिन हमने किसानों को मौका दिया था, 1 दिन जो वो अंदर जो गेट पास कटे हुए उनको मौका दिया, 1 दिन जो अंदर पड़ा हुआ था बगैर गेट पास के उसको दिया, वही प्रोक्योरमेंट हमारी 3.5-4 लाख की थी, जो अभी लास्ट में प्रोक्योरमेंट हुई है तो उसी का लिफ्टिंग बाकी है। उससे पहले की तो लगभग सारी लिफ्टिंग हो चुकी है, ये भी जल्दी हो जाएगी, 2-4 दिन में, कोई ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं। अच्छी पेमेंट की है, ऐतिहासिक काम किया है, किसान को पहली बार सक्षम बनाया है कि किसान के खाते में पैसा दिया है, और किसान को ब्याज लेना सिखाया है, किसान ब्याज देता था, पहली बार किसान को ब्याज मिला है लेट पेमेंट का। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इनको भी पीछे छोड़ता हुआ जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो जस्ट 1 साल में डबल हो गया है। मुझे चिंता मस्टर्ड की या खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा मुझे उस चीज़ की चिंता है। मैं कृषि का मंत्री हूँ, किसान की फसल, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 7,000 रुपये क्विंटल सरसों की बिक रही है, किसान के जेब में पैसा आ रहा है, बाकी उसका तेल बेचना वो अलग विभाग का काम है। मैं चाहता हूँ कि किसान का प्रोडक्ट, चाहे चना हो, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसों हो, चाहे दालें हों, खूब ऊँचे रेट पर बिके, मेरी इच्छा ही है। महंगाई देखना सरकार, बाकी काम करना जो अलग विभाग है उनका काम है, मेरा काम है किसान का हित देखना, और जितना सरसों महंगी बिकी है इसमें किसान का हित है। धन्यवाद जी। यार, बड़ी मुश्किल से किसान को पैसा आया है, कंज्यूमर की और कोई देखेगा? मीटिंग सर, मीटिंग वो है हमारा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, शुक्रिया भाई। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तराड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। एस
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।